कारागार मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में निरुद्ध बंदियों से मिलने कारागार पर आने वाले मुलाकातियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज दिनांक 12 अप्रैल 2024 को कारागार पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर जिला अधिकारी अपर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेंद्र कुमार, GIC मुजफ्फरनगर के प्रधानाचार्य श्री शैलेंद्र त्यागी एवं जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने अनूठी पहल करते हुए कारागार पर आने वाले मुलाकातियों के हाथ पर प्रतिदिन लगने वाली मोहर को बदलते हुए एक वोट एक सोच, वोट फॉर इंडिया, मतदान 19 अप्रैल, पहले मतदान फिर जलपान आदि स्लोगन वाली मोहर तैयार कराई गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों एवं कारागार में निरुद्ध बंदियों द्वारा महत्वाकांक्षी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत तैयार किए गए बैनर व पेंटिंग की प्रदर्शनी के साथ मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। कारागार प्रशासन की इस पहल की प्रशंसा करते हुए अपर जिला अधिकारी अपर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेंद्र कुमार ने कहा, मतदान सभी का अधिकार है जिसे सभी को प्रयोग करना चाहिए। मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी को घर से बाहर निकलना होगा। इस अवसर पर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने कहा कि बिना लोकतंत्र की मजबूती के राष्ट्र के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। मतदान करना मात्र एक अधिकार ही नहीं बल्कि स्वस्थ लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है। साथ ही बताया कि मतदान के लिए जागरूक करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम मतदान तक अनवरत चलता रहेगा। GIC के प्रधानाचार्य श्री शैलेंद्र त्यागी ने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय आदि प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी मताधिकार का प्रयोग करें। कारागार प्रशासन की इस अद्भुत पहल से कारागार पर आए मुलाकाती एवं बंदीगण भी उत्साहित नजर आए। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से जेलर राजेश कुमार सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परितोष मुदुल शर्मा, उप जेलर श्री हेमराज सिंह, श्री यशकेंद्र यादव एवं समस्त कारागार स्टाफ आदि उपस्थित रहे। लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत मुजफ्फरनगर के मतदाताओं को अधिक से अधिक वोट डालने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य स्वीप प्रोग्राम के तहत आज जो बंदियों से मुलाकात करने वाले परिजन हैं उनको जागरूक करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था। उस कार्यक्रम का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया। इस अवसर पर GIC के प्रिंसिपल जो नोडल भी हैं इस कार्यक्रम के, वो भी उपस्थित रहे। इसके तहत यहाँ पर कुछ बंदियों द्वारा और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा कुछ पेंटिंग्स, कुछ इस तरह के स्लोगन तैयार किए गए थे, सेल्फी पॉइंट तैयार किए गए थे, जिनकी प्रदर्शनी का जो उद्घाटन हुआ। साथ ही जो मुलाकातियों के लिए सुरक्षा मोहर लगाई जाती है, उस मोहर में सारे जो कोड बदलते हुए वो कोड लगाए गए थे जो मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्लोगन के रूप में होते हैं, जैसे एक सोच एक वोट, वोट मुजफ्फरनगर और 19 अप्रैल, वोट मतदान हमारा अधिकार, पहले मतदान फिर जलपान, इस तरह के स्लोगन उस मोहर में लगाए गए हैं। जो बंदियों के परिजनों के मुलाकात जब करने आते हैं तो उनके हाथ पर वो मोहर लगाई जाती है सुरक्षा के तहत। तो ये अभियान जब तक वोटिंग होगी तब तक चलेगा और इससे अधिकतर मतदाता जागरूक होंगे। और सबसे इसी संबंध में ये अपील है कि अधिक से अधिक वोट डालने जाएं बूथ पर और लोकतंत्र को सशक्त बनाएं।